सो हे गाइस इट्स मी धीरू मांचेक। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तरुण गिल नामक एक जीव के बारे में। ये एक फिटनेस यूट्यूबर है जो फिटनेस छोड़ के सब करते हैं, जैसे कि तुम प्रोटीन शेक में थोड़ी दारू मिला दोगे, अगले दिन सुबह बिस्तर से आर्नोल्ड श्रीवास्तव के पिताजी बन के उठोगे। ऐसे दोस्तों मैगी खाएं, फ्राइड चिकन खाएं, पास्ता खाएं और साथ ही साथ अपना शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त बनाएं। आजकल ये इस तरीके का ज्ञान बहुत ज्यादा बांट रहे हैं, नॉलेज इज पावर का उसके ऊपर ठप्पा लगा के। तरुण भाई ये कौन सी नॉलेज है, ऑडियंस को बता दो। ये लो यस भाई, पील दो। ओके ओके तो इंडिया में कितने ऐसे कोचेज होंगे जो ऐसी बॉडी बनाने के लिए ऐसे कपड़े पहनते होंगे, सूट पहन के। अब उसके कपड़ों से उसकी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाएगी। अब भाई ये चाहे रामकली का लहंगा पहन के ट्रेनिंग करा पे, दिखाएगा बताएगा तो वही ना जो इसे आता है। 31 लाख की घड़ी पहन के रोलेक्स की वेट्स बदल भाई, भले ही चल मान लिया घड़ी तूने 31 लाख की पहनी हो, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग तो तू तरुण गिल को ही दे रहा है ना। 25,000 का गुची का चश्मा पहनते हैं भाई, लगे हाथ बता ही रहे हो तो इसके चड्डीकार बनियान का रेट बता दो। आज मैं एक ऐसी चीज करने वाला हूँ जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान करते हैं, प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में वो मिलाते हैं दारू। भाई साहब 2.5 लाख की बोतल है। पूछा किसी ने कितने रुपए की बोतल है भाई? अब चाचा 2 लाख की दारू तो तुम घंटा नहीं पी रहे होगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई चाचा जितनी भी बकेती आजकल आके इंटरनेट पे पेल रहे हैं उसके पीछे का एक खास रीजन ये है कि लोग आके इनसे डाइट पूछे, इनका डाइट प्रोग्राम पूछे और ये उसके बदले उन्हें चार्ज करे वक्त के साथ तखत पे पब्लिक का चिट्ठिया बना के। दोस्तों बिजनेस चल रहा बिजनेस। अब चाचा के पास अगर इतना पैसा होता कि 2 लाख की बोतल खरीद सके तो भाई ना ही बेचते फिर तो प्रोग्राम। ये भाई तो साइंस है, आपको सिखा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। Join the program and see how it works. शर्म करो, भगवान से डरो। आज मैं एक ऐसी चीज करने वाला हूँ जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान करते हैं। So guys, जैसे कि तरुण भैया जी ने कहा बॉडी बिल्डिंग के भगवान कहते हैं प्रोटीन में दारू मिला के पियो, बढ़िया रहती है सेहत के लिए, ज्यादा कुछ बकचोदी नहीं काटते, इसमें ज्यादा मैं ज्ञान पेलने नहीं बैठता हूँ। ठीक है ये बोल रहे मान लेते हैं ठीक, लेकिन दूसरी तरफ आगे चाचा ये क्या बोला जा रहा है। 1970 की नॉलेज गुरु जी नॉलेज को क्या कहते हैं, लात मारो। Well, दोस्तों प्रोटीन शेक में दारू मिला के पी जाएगी तो हाल तो ये हो गई। अब कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा सर देसी भी डाल सकते हैं क्या? अल्कोहल है, थोड़ी तो कड़वी होगी। और तरुण गिल की वीडियो थोड़ी तो भड़वी होगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई करना बट इसको ट्राई मत करना। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा। मिल्क में प्रोटीन होता है, मिल्क में बहुत कैल्शियम होता है, लेकिन 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 मिल्क इज नॉट फॉर बॉडी बिल्डर्स। क्यों भाई यश भैया? बिल्कुल भी नहीं, बॉडी बिल्डर्स के लिए मिल्क नहीं है। अगर आपको स्किन पतली रखनी है, टाइट रखनी है, एकदम डिफाइंड रखनी है तो फिर मिल्क या डेयरी, किसी भी टाइप की डेयरी आपके लिए नहीं, नहीं। अच्छा चीचा वे प्रोटीन तो खाते हो गए, वो मिल्क से नहीं बनना। बेसिकली दोस्तों ये है 30 सेकंड की रील एंड साइंटिफिकली अगर इस सब चीज पे बात हो तो भाई बहुत लंबी खींचेगी चीजें। अगर तरुण भैया इनके ट्रेनर आएंगे अपने आपको सही प्रूफ करने, सही प्रूफ कर भी देंगे। बट मेरे को जिम का कुछ भी नहीं आता, इसे एक को और नहीं आता, इसे एक और नहीं आता। इनने भाई रील पे देखा, स्क्रोल कर लिया, ठीक है इसके आगे ये वीडियो आ गई। अच्छा भाई बॉडी बिल्डर बॉडी वोडी जो बनाना चाहते वो दूध नहीं पीते? अब ले भाई मेरी मम्मी यार जबरदस्ती दूध पिलाती है मुझे सुबह शाम गर्म करके, आज से नहीं पीऊंगा। तुम्हारी वीडियो देख के हो गया मिस गाइड, अब वो दूध पीना छोड़ देगा भाई। अब भाई तुम कहोगे इसके ट्रेनर ने कही तो है, इतना क्या बिलबिला रहा है कि बॉडी बिल्डर्स जिनकी जिन्हें पतली स्किन चाहिए भाई, नए लोगों को नहीं आता समझ में ब्रो। मैं अपना मील एंजॉय कर रहा हूं गाइस, मैगी। अच्छा भाई मैगी खा रहे हो, मुझे लगा तुम गू खा रहे हो कि दिमाग में तुम्हारा वही भर गया है ना। बता भाई एक तरफ कह रहा दूध मत पियो, दूसरी तरफ मैदा मैदा पेले जा रहा इंसान ये। तो मैं क्या खा रहा हूँ, आज का मेन्यू क्या है? नूडल्स। पहले या तो खा ले फिर भाई बोल ले, देख एक चीज कर ले। जलन होती है ना ऐसी बॉडी में नूडल्स देखे, और साथ में क्या घंटा नहीं होती भाई, नहीं चाहिए जैसी बॉडी में। लैग तो है ना चाचा तुम्हारी, लैग तो उगा लो, जिंदे ऊपर से चौड़ा हुआ फिर रहो तुम। दे भाई अगर तुम ऐसी बॉडी देख के इंसान की जलन लगे कि कहाँ इतनी बढ़िया बॉडी बना ली यार, हमसे ना हो पागा ये सब, तो भाई तुम बेकार हो। अरे भाई जिंदा कॉमेडियन बने पड़े भाई ये तो। फ्राइड क्यों खा रहा? क्योंकि यार ये बहुत लोगों ने अजम्पशन लगाया कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग है या फिर ये है वो है, तो अपनी assumptions देने से पहले हमसे तो पूछ लो यार, message कर लो, पूछ लो, बता दे भाई जी। पहले ना तुम खुद decide कर लो कि तुम कौन सी डाइट कर रहे हो। अभी से एक हफ्ते पहले चिचा अपने मुंह से कह के गए कि ये flexible diet follow कर रहे हैं। Guys, मेरे हाथ में है काजू कतली, और आपको पता है फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, कितनी बारी आप अपने आप को रोक लेते हो ये सब मिठाई खाने से। यू डोंट हैव टू यार,
बिकॉज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल डाइटिंग से कि आप कुछ भी खा सकते हो लेकिन ये कोई फ्लेक्सिबल डाइटिंग आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल डाइटिंग कोई फ्लेक्सिबल डाइटिंग नहीं भाई एक दूसरे के टट्टे घुसाने बंद करो और सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम डाइट अपनी कर कौन सी रहे हो ये एक आगे कह देता है ये है दूसरा आगे कहता है ये नहीं है लोगों को फ्लेक्सिबल डाइट नहीं पता उन्हें बता दो जैसे हमारी बॉडी को अलग अलग चीज चाहिए प्रोटीन कार्ब्स फैट्स और भी काफी सारी चीजें जैसे अभी चाचा ने कार्ब्स ले लिए मैगी खा के अब अगली मील में या फिर एक आध घंटे बाद ये चिकन खा लेंगे एग्स खा लेंगे उससे प्रोटीन ले लेंगे नहीं तो प्रोटीन शेक पी लेंगे मैगी खाने के ठीक बाद और भाई मजे की बात ये चीज इन्हें अभी खुद अपनी चार दिन पहले वाली रील मार के बकी है कार्ब्स में हम ये खा रहे हैं मैगी एंड प्रोटीन भी हम एडिक्वेट लेते हैं बॉडी को अच्छी तरह बिल्ड करने के लिए हम अपने न्यूट्रिशन पे सैक्रिफाइस कभी भी नहीं करते सिर्फ कार्ब्स को मैनिपुलेट करते हैं और ऑडियंस को भी तो वो भी तो बता भाई डाइट मैनिपुलेट सब कर रहे हैं प्रोटीन की जगह दोगला पंती खा रहे होगे चाचा ये बहुत ही कैलकुलेटेड डाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही एप्लीकेबल है और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशंस के थ्रू ये डिजाइन होती है समझे तुम्हें भी जानना है कैसे वो कैलकुलेशंस होती हैं ना भाई मैंने कैलकुलेशन कर लिया बहुत बढ़िया करके मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी की अब ठीक है इससे बॉडी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी बिल्कुल भी फैट नहीं आएगा कैसे लोगों को मिसगाइड कर रहे हो आप तरुण सर मिसगाइड कर रहे हो अरे क्या मिसगाइड कर रहा हूँ भाई दिस इज माय मिडनाइट स्नैक ये देख रहे हो यही है केक रात को खाऊंगा राइट यही है फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चोको बेक्स 6 रात को खाऊंगा ओके 6 और रात को खाऊंगा ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए ये कल के लिए चाचा इतनी चॉकलेट खाते हो दिन भर में फिर तो भाई तुम भगते भी चॉकलेट ही हो गए ना वो तो ये इंटरनेट पे कर लेते हैं ना क्या बताऊं भाई मैं क्या बोलूं यार आई एम स्पीचलेस नाउ दोस्तों काफी ज्यादा लोग सोच रहे भाई खाता होगा क्या हो गया वर्कआउट अच्छा कर लेता होगा एक्सरसाइज बढ़िया कर लेता होगा दिन में प्रोटीन इंटेक ज्यादा रख लेता होगा रात को उल्टा सीधा खा देता होगा लेकिन भाई एक इंसान अगर ऐसा है उसको ऐसा बनने के लिए ना ये सब खाते हुए ये सब डाइट फॉलो करते हुए 4 जन्म लग जाएंगे बॉडी बनाने में अच्छे से मतलब जन्म एग्जैक्टली जन्म नहीं बट ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों अपनी बॉडी को अपने शरीर को लेकर सबका अलग गोल होता है उसका रहना बस मैं जो शर्ट है फिट आ जाए मैं टी शर्ट में डोले दिख जाए कईयों को एप्स चाहिए होते हैं देखा दिमाग वही चलता है ना तुम्हारा तुम्हें क्या लग रहा था क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना जब तुम जिम में आके जिंदा कैमरे के सामने हक सकते हो तो क्या हिला नहीं सकते भाई इसकी टांगे देखियो बालक की ओह माय गॉड भाई मेरी होंगी इतना मोटी तो देख लो तुम उप्स सॉरी गाइस डियो दोस्तों डियो इधर भी लगाया जाता है क्या हम तो नहा लेते हैं रोज दोस्तों हमें जरूरत नहीं पड़ती व्हाई द You don't buy any deos, yaar, because... पता नहीं भाई ने बोलना कहाँ से सीख लिया भाई हर दूसरे सेंटेंस में वैसे तो कई लोग कहते हैं कि हमें जिम जाना है we want to get all the girls, but how are you gonna fuck with the girls जब साला जिम में जाके बदबू मारोगे so please invest in it भाई नहा ले दिन में एक बार जरूर उतना काफी होता नहीं आती पर शरीर से ज्यादा बदबू और ये जो कपड़े जो पहन के वर्कआउट करते हैं उन्हें बदल भी लेते हैं भाई वही पहनोगे वही वर्कआउट करोगे तो बदबू तो मारोगे चाचा तो सीधे चड्डी में लगा रहे हैं भाई चड्डी नहीं बदलते मुझे लग रहा है गलत सीन भाई बहुत ज्यादा 41 ईयर्स का हूँ और ऐसा दिखता हूँ तुम 20-22 साल के लौंडे लपाटे कुछ भी लिख देते हो पहले बॉडी बनाओ फिर लिखना और दूसरा अपने डैडी को दिखाओ कि पापा आप ऐसे क्यों नहीं दिखते भाई ये कहाँ की बात आ जाती है यार कि पहले बॉडी बनाओ फिर लिखना अबे इस हिसाब से तो भाई तेरी बॉडी तेरे ट्रेनर से अच्छी है लेकिन फिर भी तुझे उस ट्रेनर की जरूरत है क्यों एक तरफ गा रहे हो तुम नॉलेज इज पावर और दूसरी साइड आके पहले बॉडी बना क्या तू अच्छा ठीक है बॉडी भी तो नॉलेज से बनेगी ओके जरूरी नहीं है बॉडी नॉलेज से बनेगी दोस्तों बढ़ा स्टेरॉइड की नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना नॉलेज तो चाहिए अच्छा इसीलिए चचा गा जा रहे हैं रियल नॉलेज इज पावर अपने डैडी को दिखाओ कि पापा आप ऐसे क्यों नहीं दिखते चाचा तुमसे जिम में 4 डंबल उठा के तो तुम्हारी सांस भूल जा फिर तुम आके चोड़ो रहोगी अपने पिताजी से कहोगी वो ऐसे क्यों नहीं दिखते ना भाई ना ऐसे नहीं दिखवाना भाई पिताजी को यस तरुण गिल जिनके डोलो से मोटे उनकी बुद्धि है तरुण गिल और हिंदुस्तानी भाव में बस एक फर्क है कि ना हिंदी में बहन बोलने के साथ साथ इंग्लिश में बोलना भी आता है तरुण गिल जिसकी लेग में लेग डे से पहले ही दर्द उठ जाता है और वो फिर लेग डे वाले दिन जिम ही नहीं जाता है भैया जी अपर बॉडी तो तुमने बहुत चोरी कर ली खा पी के और लगा के लेकिन टांगे तुम्हारी आज भी पेड़ की डंडी जितनी रह गई पतली और उसके बाद भी भैया जी अगर बल्किंग का ज्ञान पेलते हैं और सारे ट्रेनर्स को कहते हैं बल्किंग का ज्ञान आजकल हर कोई पेल देता है आजकल बल्किंग में ये होना चाहिए बल्किंग में वो होना चाहिए यू डू यू नो व्हाट बल्किंग इज This is what you call bulking. नहीं भाई इसे ये क्यों लग रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक लोता इन नई बॉडी बनाई है सो आजकल इंटरनेट पे इतने ज्ञानी बाबा है ना इतने ज्ञानी बाबा सब ज्ञान सब ज्ञान हाँ ये भी बहुत ज्ञान छोटा चाचा इसका भी कुछ करो यार
आयरनी हो रही दोस्तों बहुत भयंकर। जो ज्ञान ये पेल रहे हैं उनकी बॉडी बनती नहीं, आप उनका ज्ञान देख रहे हो आपकी बॉडी भी नहीं बन रही भाई। इस हिसाब से तो तुम्हारे ट्रेनर की भी ज्यादा तगड़ी बॉडी मुझे दिखना रही। और ये जो ज्ञानी बाबा है ना ये सारे, इनका को पहले भाई खुद की बॉडी बना के आए फिर ज्ञान पेले, क्योंकि एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। और एक मिनट भाई, मतलब ये बात मेरे जस्ट दिमाग में है कि चाचा तुम ज्ञानी बाबाओं को आके गाली बकरो, लेकिन तुम्हें खुद एक ज्ञानी बाबा की जरूरत है। मतलब पहले तुम्हारा ये ट्रेनर था, अब तुम्हारा ये ट्रेनर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हें भी कोई ना कोई चाहिए ज्ञान देने वाला? तुम्हारे पास भी ज्यादा दिमाग कैसे? लोगों को लगता है कि पास्ता मैगी वैगी खाने से ना फैट आता है, मोटे हो जाते हो। पेट की क्या कंडीशन होगी? बस दूध पीने से बकचोदी होती भाई शरीर के अंदर, उसे पीने से क्या कहते हैं वो हो जाएगी पेपर थिन स्किन नहीं आगी हमारी। बाकी पास्ता खाओ, मैगी खाओ, गू खाओ। ओह दिखाना भूल गया क्या? ये देखो 103 kgs ऑफ प्योर मसल, तभी लिखा था प्योर मसल गाइस। अच्छी है, हाँ हड्डी ना है ऑर्गन ना है और कुछ नहीं है चाचा के अंदर, एकदम मसल मसल भरा पड़ा भाई पूरे शरीर के अंदर। बोलता बहुत है छोटे और काम तेरा हल्का, आता कुछ नहीं फिर भी इतना उछलता है। सुन पहले बोलना सीख और फिर बना वीडियो, टेंशन मत ले, I'm happy to teach you, bro. छोटे शॉर्ट हो चुके हैं तेरे गोटे, इंटरनेट पे हाग रहा है तू बिना लिए लोटे। अच्छा ऐसी रैप तो नींद में लिख दूं। आ जाओ डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, मेरे पल्ले मत पड़ियो भाई, एक दिन में बना दूं मैं। लेकिन चाचा बोलता मैं सिर्फ उतारू जिधर मुझे मेरा फायदा दिखाई देता है, वरना बाकी रिप्लाई के लिए तो लोग परेशान बैठे रहते। तो ठीक है वीडियो तरीके खत्म करता करो, तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आगे ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो। बाकी मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ भाई बॉडी बनाने में मेहनत नहीं लगती है, बहुत मेहनत लगती है। अभी से 2 साल पहले मैं भी 2-2 घंटे वर्कआउट करता था भाई, मे भी मैं फिर से शुरू करूंगा। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत पैसा भी चाहिए दोस्त। बॉडी बनाने से पहले अगर तुम पैसा बनाना सीख लो तो वो अच्छी बात ज्यादा रहेगी, अगर मिडिल क्लास हो तो। चाचा हार्ड वर्किंग है, चाचा दिमाग बहुत है सबसे पहली बात तो भाई, ही नो वेरी वेल कि वो क्या कर रहे हैं भाई, उसको करने से क्या होगा, देन वो करने के बाद उनको क्या फायदा होगा सब पता भाई ने बढ़िया करके। ये तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हमने वीडियो बना दी। खुद की बीट पे खुद ही लिख के मिक्स करूं, बना मास्टर इनका तूत पे इनकी रैप पे बजाना, खींच के काम ये आधे दिन का, समता मेरी पे करी जो सन का, लगेगी लंका गले में फंदा, नहीं मैं थमता रूप में असल आया तो कतल है बीट पे पक्का।